नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को विजयदशमी की, दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है और हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में हम कह सकते हैं कि इसी तरह का मौसम बना हुआ। पिछले काफ़ी दिनों से प्रदेश में बारिश भी नहीं हुई है और अक्टूबर के महीने में सूखे के हालात अब बनने शुरू हो गए हैं। सामान्य से करीब 94% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड की गई है। भले ही अब सुबह और शाम को ठंड का एहसास हो रहा हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही इस वक्त सामान्य से अधिक चले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालांकि धीरे धीरे अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है और तापमान की बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों इस वक्त सामान्य से अधिक चले हुए हैं। दिन के समय धूप तेज है तो दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन जैसे ही दिन ढल रहा है उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अभी सामान्य से ऊपर है और लेकिन बारिश की यदि हम संभावना की बात करें तो अभी एक सप्ताह तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5-6 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का अधिक है और ऊना का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि उसमें 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। शिमला का 23.8 है जो सामान्य से 1.6 अधिक है। सुंदरनगर का 30.8 है, भुंतर 31 है, कल्पा 21.8 है, धर्मशाला 28 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, ऊना का 34.4 है, नाहन का 37.5 है और ऊना का सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक है। केलांग का 19.1 है जो सामान्य से करीब 7.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है और केलांग का तापमान में इस तरह की बढ़ोतरी पहाड़ों पर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है जो ठंड के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा समय तक बर्फ़ी पड़ी रहती है तो वहाँ पर सामान्य से अधिक इस वक्त तापमान चला हुआ है। सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 30.4 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 29.6 है, बिलासपुर का 32.3 है, चंबा का 30.8 है और भरमौर का 24 है, सेवबाग का 28.5 है, धौलाकुआ का 32.2 है, बट्टी का 31.2 है, समदो का 20.9 है, कसौली 24.1 है और मशोबरा 31.3 डिग्री सेल्सियस कसौली का इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर मशोबरा का 21.3 है, नेरी 32.1 है, सहंज 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान अधिकतम तापमान में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है और हालांकि सुबह और शाम के वक्त अब पहाड़ों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मैदानी क्षेत्रों के तापमान भले ही अधिक हो लेकिन पहाड़ों पर अब जो न्यूनतम तापमान है वो कम होना शुरू हो गया है। शिमला का 12.6 आ गया है और शिमला का तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिली है। सुंदरनगर का 11.5 है, शिमला से ज़्यादा ठंडा सुंदरनगर है और भुंतर उससे भी ज़्यादा ठंडा है, 10 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का 4.5 है, धर्मशाला का 14.9 है, ऊना 13.8 है, नाहन 17.2 है, केलांग 2.7 है, पालमपुर 12.5 है, सोलन 11.6 है, मनाली 8.4 है, कांगड़ा 13.4 है, मंडी 13.9 है, भरमौर 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, चंबा का 13.3 है, जुबड़हट्टी 13.8 है और कुकुमसेरी 2.1 है, भरमौर 11 है, सेवबाग 11 है और धौलाकुआ 17.3 है, बठी 13.9 है, समदो 5.6 है और सराहन 9 डिग्री सेल्सियस तो रिकॉर्ड किया गया है, कसौली का 15 है, पाउंटा साहिब 20 है, मशोबरा 12.1 है, नेहरी 17.4 है और सैंज 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर जो हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में अब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से इस वक्त नीचे हैं और मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके अनुसार प्रदेश में पिछले
11 दिनों में, अक्टूबर के 11 दिनों में सामान्य से करीब 94% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और पिछले एक सप्ताह की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में मौसम बिल्कुल साफ ही रहा है और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस दौरान बारिश नहीं हुई है। 4 अक्टूबर से लेकर और 11 अक्टूबर के बीच में केवल लाहौल स्पीति में कुछ एक बारिश की बूंदें गिरी है। मंडी में सामान्य से 40% कम बारिश हुई है, यानी वहां पर 3.7 मिलीलीटर बारिश पिछले एक सप्ताह में रिकॉर्ड की गई है और ऊना में 8.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी और इसके अलावा किन्नौर में 0.4 है और कांगड़ा में 1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन एक ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की एक भी बूंद पिछले एक सप्ताह में नहीं गिरी है। और सूखा हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में सूखे जैसे हालात बन गए। 11 दिन हो गए, 11 दिन और सितंबर के भी लास्ट के 4-5 दिनों में बारिश नहीं हुई थी, तो पिछले 15-16 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा पूरे सीजन की बात करें, एक जून से लेकर और अभी तक के बारिश की हिमाचल प्रदेश में किस तरह की स्थिति रही है, तो 1 जून से लेकर और 11 अक्टूबर के बीच में प्रदेश में काफ़ी जो मॉनसून सीजन था, तो मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में 28% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 28% कम बारिश और जून के महीने में सामान्य से करीब 54% कम बारिश हुई थी। जुलाई के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई थी। अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 4-5% कम बारिश हुई थी। सितंबर के महीने में जरूर सामान्य से 4% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं मनाली में मौसम साफ है, स्वागत है। दीपक जिन्ना जी जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। रेनू कुरियन जी है, करतार सिंह जी है, बिशन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सोहल जी, तो सभी का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें। मौसम की जानकारी में तो आजकल हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है और मौसम को लेकर कोई यदि हम बात करें कि बारिश होनी तो इसकी कोई चिंता नहीं है और आने वाले एक सप्ताह तक मौसम साफ बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। बारिश की फिलहाल अभी तो कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से अधिक है। पहाड़ों पर सर्दी लौट आई है, सुबह और शाम के वक्त अब पहाड़ ठंडे होने शुरू हो गए हैं। दिन के समय धूप काफ़ी तेज है तो गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन शाम होते ही प्रदेश में ठंड पड़नी शुरू हो रही है। पहाड़ों में विशेषकर मैदानी राज्यों की क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे मौसम शाम के समय ठंडक वाला हो गया है और अपर शिमला का वेदर बिल्कुल क्लियर है। कृष शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। गुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं धर्मशाला से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतराम जी हमारे साथ जुड़े सिरमौर रेणुका में भी मौसम साफ है, तो आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की हर क्षेत्र की जानकारी मिल रही है कि किस तरह का मौसम है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और उन्हें हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं। और आप लोगों के अपडेट हैं जिसको हम अन्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। ध्रुव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और तुलसीराम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। एक बार फिर से दशहरे की सभी दर्शकों को और उनके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।